अब बात करेंगे भिवंडी की, जहां बारिश ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। सड़कों पर इस कदर गड्ढे आ गए हैं कि गाड़ी चलाना बहुत ही दूभर हो गया है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पर गाड़ी चलाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। भिवंडी में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भिवंडी और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। यहाँ सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं और प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। भिवंडी शहर एक ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर जाना जाता है, जहां लगभग सभी नामांकित कंपनियों के वेयर हाउस हैं। यहां ट्रांसपोर्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है, पर खतरनाक गड्ढों के कारण ड्राइवरों की हालत बेहद खस्ता है। एक ड्राइवर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित कर अपना एक वीडियो जारी किया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी जो तकलीफ है उस वीडियो के जरिए सामने आ रहा है, जो कि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। आओ मुख्यमंत्री साहेब, शिंदे साहेब, आता बघा एक कालेचे खड्डे, भिवंडी आखी खड्ड्यांमध्ये आहे हो साहेब। तुम्ही काहीतरी करा, या भिवंडीला काहीतरी करा। विचार चालला होता पंढरपूरला जायचा, पण मी अजून इथेच आहे। पंढरपूरला तर पोहोचलोच नाही, विचार केला एक खड्डे कधी निर्माण चांगले होतील। साहेब थोडीशी आमच्यावरती दया, कारण की खड्डे मुजवा हो इकडचे। लोकांना भरपूर ताप होतो या खड्ड्यांचा, लोक व्यवस्थित पोचत नाही। आज मी बस चालवतो, मला आज कळतं हे खड्डे काय। तुम्ही एक विचार करा, या खड्ड्यांमध्ये किती लोकांना त्रास होतो। तुम्ही एक भिवंडीकडे लक्ष द्या साहेब, तुम्ही नवीन मुख्यमंत्री झाले असतील, पण आता त्यांच्यावरती त्या खड्ड्यांवरती तुम्ही जरा लक्ष द्या साहेब, आणि हे खड्डे मुजवा आणि भिवंडीला तुमच्या हातात घ्या, आणि भिवंडी तुमचं नाव काढेल साहेब। एवढंच म्हणणं आहे माझं।